अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते टाइम पास में जो घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन की, एक नए जॉब के बारे में। और यहाँ पे हम जिस जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे इस जॉब में अगर आपका मैथ वीक है ना तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैथ की इतनी ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, जो भी एग्जाम होगा उसमें आपके मैथ से 15 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी बहुत मतलब आप बोल सकते हैं टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी जॉब निकली है, हमारी एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की जॉब है। ये काफी एयरफोर्स में ही जॉब है ये, और ये काफी अच्छी जॉब है ये। और इस जॉब के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं अप्लाई कर पाओगे। कई सारी इसमें पोस्ट निकली हुई हैं, हम उन सारी पोस्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा इस इन एग्जाम के लिए हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, एवरीथिंग यू गेट टू नो इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इसका एक ब्रीफ आइडिया आपको इस एग्जाम के बारे में हो जाए। ओके, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है। इसके अलावा इसमें जो एप्लीकेशन फीस है, आप अगर किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है ये 250 रखी गई है। एज की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एज यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग है। यहाँ पे जो पहली पोस्ट है फ्लाइंग ब्रांच में, तो यहाँ पे आपकी जो एज रखी गई है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 24 रखी गई है। इसके अलावा जो हमारा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की बात करें तो दोनों में ही आपकी 20 to 26 रखी गई है। 20 आपकी मिनिमम होनी चाहिए और 26 आपकी मैक्सिमम मांगी गई है। इसके अलावा इसमें जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे हम हर एक पोस्ट के बारे में उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, उसमें क्या क्या चीज मांगी गई है, एवरीथिंग यू गेट टू नो। एंड सैलरी पैकेज भी इसका काफी अच्छा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहली जो हमारी पोस्ट है वो हमारी है फ्लाइंग ब्रांच की जो पोस्ट है, इसमें हम बात करें तो इसमें आप ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है और उसमें अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पे मैथ्स और फिजिक्स आपका 12th में होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट जिसमें आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसमें खाली पीसीएम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, साइंस साइड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे मांगे गए हैं आपके। और ओवरऑल आपका कितना भी परसेंटेज आया हो डजंट मैटर, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपके 50% मार्क्स आना जरूरी है। इसके अलावा ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से की है, आप उसमें आपके 60% मार्क्स आना कंपलसरी जरूरी है। इसके अलावा बीई बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और फिर हम जो हमारी सेकेंड पोस्ट है ये हमारी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। इसमें भी इसमें दो पोस्ट आपकी निकली है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की, जिसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे आप साइंस साइड या आप साइंस साइड के हो या कॉमर्स साइड के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आर्ट्स साइड के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 60% आने चाहिए, ये जरूरी है। ओके, इसके अलावा इसमें फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें मेल की जो हाइट रखी गई है 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल की हाइट 152.2 सेंटीमीटर रखी गई है। ओके, और सेकंड जो हमारी पोस्ट है नॉन टेक्निकल में ही आपकी अकाउंट की पोस्ट है। इसमें अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी इसमें आपकी ग्रेजुएशन मांगा गया है, कॉमर्स फील्ड में ही आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपकी इसमें भी आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें 157.5 मेल की हाइट रहेगी और फीमेल की 152 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, और इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो थर्ड नंबर पे जो हमारी पोस्ट है, ये हमारी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल
की पोस्ट है, इसमें थोड़ा हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपका जो आपने ट्वेल्थ किया है उसमें आपका मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है। ओके, और उसमें आपके मतलब जैसे मिनिमम उसमें आपका जो फ्लाइंग ब्रांच की आपकी जो पोस्ट थी उसमें आपकी ट्वेल्थ में मैथ फिजिक्स जरूरी था, वैसे ही आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की जो पोस्ट है इसमें भी आपका मैथ फिजिक्स होना जरूरी है, कंपलसरी है। इसके अलावा आपने अगर इंजीनियरिंग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से की हो, यहाँ पे सारे फील्ड्स मेंशन है, आप इसको जाके नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। आप अगर इन सारी फील्ड में आपने अगर इंजीनियरिंग की है किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपकी जो फ्लाइंग ब्रांच का एग्जाम पैटर्न है और आपका जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहने वाला है, और जो आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का जो एग्जाम है यहाँ पे दो रिटर्न एग्जाम होंगे आपके, उसके बाद इंटरव्यू होगा, वहां पे आपका एक ही एग्जाम होगा। यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें एग्जाम पैटर्न जो आपका रहने वाला है इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 300 मार्क्स के रहने वाले हैं। 130 नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगी और ये 120 मिनट्स का ये पेपर होगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे आपके, और जो 4 सेक्शंस होंगे इसमें, और ये कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। पहला आपका जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 90 मार्क्स के। वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। मैथ्स के 15 क्वेश्चंस 45 मार्क्स। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स। टोटल ये 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स। ओके, ये यहाँ पे आपने मैथ का देखा है, देखा होगा इसमें बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ से, और बाकी आप जब इसके लास्ट क्वेश्चन पेपर लगाओगे ना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैथ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछा जाता है, आप इसको अप्लाई आप इजीली अप्लाई कर सकते हो अगर आपका मैथ वीक है तो। इसके बाद में जब आपका ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हो। इंटरव्यू आपका जो होता है ये वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू है। ये जो इंटरव्यू ये आपका 5 दिन तक चलता है। ओके, तो 5 दिन आपको वहां पे बुलाया जाएगा, आपको रखा जाएगा वहीं पे, और आपके जो भी आपके इंटरव्यूज रहेंगे, स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगा। आपका पहले दिन में आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, देन उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। तो आपके जो दूसरा तीसरा चौथा दिन जो रहता है ये आपके ग्रुप डिस्कशन होता है, और इसके अलावा इंटरव्यू रहेगा आपका। और फिफ्थ डे जो एग्जाम होता है ये खाली आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए होता है। अगर आपने फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया है तो ये आपको वहां पे रुकना होगा और आपको ये वाला एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम को जो बोला जाता है ये आपका CPSS है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ओके, तो ये पूरा इसका प्रोसीजर रहने वाला है। उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग आपकी होगी और देन आपका आपको रिक्रूट किया जाएगा। ओके, तो आपका जो भी अपॉइंटमेंट लेटर आप बोल सकते हो, आपकी जो जॉब है आपकी ज्वाइनिंग है आपकी 2023 जैन तक आपकी हो जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इसमें तो, इसके प्रोसेस में तो। बाकी इसके सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपकी जो फ्लाइंग ब्रांच की रहने वाली है वो 85,000 प्लस रहेगी। और इसके अलावा जो आपका नॉन टेक्निकल के लिए जो पोस्ट है उनकी आपकी 71,000 प्लस रहेगी। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बोल सकते हैं आपकी जो भी ट्रांसफर होगा ना मतलब तो इससे आपका सैलरी पैकेज और हाई होगा, इंक्रीज होगा आपकी। जब स्टार्टिंग ही आपकी 85 हो रही है, 70 प्लस हो रही है, तो काफी अच्छा पैकेज आपको इसमें देखने को मिलता है आफ्टर 3-4 ईयर। ओके, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर जरूर अप्लाई करिए। और इसके अलावा इसको इस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, इस एग्जाम में अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं या SSC वगैरह के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि हम वही बुक यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या। तो देखिए, आप वैसे तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आप इन क्वेश्चंस का आइडिया आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हो जाएगा। FET के जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप उनको जाके लगाइए। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की ही FCAT की बुक आती है, इस बुक से आपकी पूरे इस एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके अलावा आपको जो भी मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं तो उनको आप, जैसे एग्जाम भी हो गया, जो फ्री मॉक टेस्ट
ये भी कई सारी साइट्स हैं, आप उन पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे जाके आप इसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा पूरा इसके मतलब इसकी तैयारी के बारे में कि आप कैसे क्या इसकी तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं अगेन यही चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, या आंसर आपको कोई सिमिलर दिखता है, तो आप उसको वहां स्किप करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा इफेक्ट आती है आपके सिलेक्शन में। ओके, तो यही हमारा पूरा इसका जितना भी जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने पूरी ही इस वीडियो में शेयर की है। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका मैं लिंक, जो भी नोटिफिकेशन का लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके इसकी पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओके, एंड चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।